हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गिरजा देवी जी, गुड मॉर्निंग। सुमन यादव जी, रेणु सिंह जी, शबाना जी, संध्या जी, वंदिता जी। चलिए, आवाज़ क्लियर है? एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे। प्रीति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोहित राज जी, गुड मॉर्निंग। राजवीर यादव जी, गुड मॉर्निंग। प्रांजल श्रीवास्तव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राधे राधे, राधे राधे। मैं बहुत बढ़िया हूँ रोहित जी, आप लोग सब बढ़िया? सुप्रभात सुमित जी, कैसे हैं? राधे राधे, राधे राधे। प्रणाम सुमेर जी, क्या हाल है? हेमा कुमारी जी, गुड मॉर्निंग। पुष्पा कुशवाहा जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, वॉइस क्लियर है। रेखा सिंह जी प्रणाम। श्रद्धा जी प्रणाम, कैसे हैं सब लोग? चलो, बहुत बढ़िया। जय माता दी सबको, राधे राधे। क्लास को हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बढ़िया हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई। कथन ये, कथन भी है, यह सोसाइटी कालांतर में शांति निकेतन के रूप में स्थापित हुआ। दिए गए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल ये सही है, केवल बी सही है, दोनों कथन सही है या दोनों गलत है? चलिए, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। राधे राधे संगीता जी, सीमा यादव जी, गुड मॉर्निंग। रजनीश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। संजना गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सवाल आपको स्क्रीन पर दिखा है, इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई। कथन भी है, यह सोसाइटी कालांतर में शांति निकेतन के रूप में स्थापित हुई। तो इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1854 में हुआ, बिल्कुल बात ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह सोसाइटी बाद में कलकत्ता आर्ट कॉलेज के रूप में स्थापित हुई। कलकत्ता आर्ट कॉलेज के रूप में स्थापित हुई और ये 1864 ईस्वी में बना। कब? 1864 ईस्वी में, ठीक है ना? तो कथन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, कथन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका मतलब विकल्प नंबर एक यहां पर सही हो जाएगा, केवल कथन ये सही है। अब्दुल्ला खान, मैं बहुत दिनों बाद आया हूं आपकी क्लास करने, ये तो आपकी गलती है भाई, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? चलिए, सतीश सिंह जी, जय माता दी। हाँ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? विकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल कथन ये सही है, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पुनर्जागरण कला का प्रारंभ जियोते की कला से माना जाता है। पहला कथन क्या है? पुनर्जागरण कला का प्रारंभ जियोते की कला से माना जाता है। दूसरा क्या है? जियोते गोथिक कला का अंतिम कलाकार था। दिए गए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल ये सही है, केवल बी सही है, दोनों कथन सही है या दोनों गलत? पुनर्जागरण कला का प्रारंभ जियोते की कला से माना जाता है। दूसरा कथन है, जियोते गोथिक कला का अंतिम कलाकार था। तो साथियों, पुनर्जागरण कला कहाँ पर प्रारंभ हुई? इटली में प्रारंभ हुई। कहाँ पर? इटली में प्रारंभ हुई, ठीक है ना? और ये जो है 14वीं सदी से लेकर के
16वीं सदी के बीच में जो है देखने को मिलती है। 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी के बीच में एक कला देखने को मिलती है, इटली में प्रारंभ होती है। प्रारंभ होती है इटली के फ्लोरेंस शहर में, हाँ, इटली के फ्लोरेंस शहर में, ठीक है ना। इसके केंद्र बिंदु में क्या था? मानवतावाद था, मानवतावाद, मानवतावाद। पुनर्जागरण कला को मानवतावाद की कुंजी भी कहा जाता है। मानवतावाद की कुंजी भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, जियोते गोथिक कला का अंतिम कलाकार था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और जियोते की कला से ही पुनर्जागरण कला प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। कथन ये और कथन बी दोनों सही है, कथन ये भी सही है और कथन बी भी सही है। चल आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ। दूसरा कथन है, इसके प्रथम सभापति राय कृष्ण दास थे। दिए गए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल ये सही है, केवल बी सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। पारुल श्रीवास्तव जी, गुड मॉर्निंग। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ। कथन ये, कथन भी है, इसके प्रथम सभापति राय कृष्ण दास थे। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके प्रथम सभापति कौन थे? रवींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रवींद्रनाथ टैगोर इसके प्रथम सभापति थे, ठीक है ना। तो दूसरा गलत हो जाएगा। राय कृष्णदास इसके संस्थापक थे, संस्थापक थे और निदेशक भी थे। निदेशक मतलब डायरेक्टर थे, लेकिन सभापति कौन थे? रवींद्रनाथ टैगोर थे पहले सभापति इसके, ठीक है ना। तो पहला कथन गलत हो जाए, पहला सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, केवल कथन ये सही है। हाँ, केवल कथन ये सही है, केवल कथन ये सही है, ठीक है ना। चल आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ चित्र लिखा हुआ है, एक तरफ चित्रकार लिखा हुआ है। तारों भरी रात, कैराबेजियो, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र, माने, हरी पट्टी, हेनरी मातिस, अनाज का खेत, जॉन कांस्टेबल। बताइए। हाँ, तो तारों भरी रात किसका है साथियों? ये कनकटा का है। वानगो, वानगो ने अपना कान काट लिया था, वानगो का है। तो पहला वाला गलत मिलान है और यही सही हो जाएगा। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र माने का है, कोई दिक्कत नहीं। हरी पट्टी मातिस का है, ठीक है। अनाज का खेत कांस्टेबल का है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। जवाहर कला केंद्र स्थित है, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में, कलकत्ता में, जयपुर में या मुंबई में? जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर या मुंबई? हाँ,
बिल्कुल। तो जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है साथियों? ये जयपुर में, जयपुर से जहाँ जवाहर, ऐसे याद कर लीजिए, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1985 में? भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है ना? हाँ, भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कब? 1982 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जो है इसके संस्थापक थे। और हाँ, इसका उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी, उस समय प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना? भारत भवन भोपाल, अशोक वाजपेयी इसके संस्थापक थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी। चल आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारत में हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल अभी तक प्राप्त हुए हैं? 980, 921, 982 या 925? भारत में हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले साथियों, भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थल किन-किन राज्यों से प्राप्त होते हैं? तो नंबर एक पर देखेंगे तो गुजरात से प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त होता है। नंबर तीन देखेंगे पंजाब से प्राप्त होता है। नंबर चार देखेंगे हम लोग जम्मू एंड कश्मीर से प्राप्त होता है। नंबर पांच हम लोग देखेंगे हरियाणा से प्राप्त होता है। नंबर छह हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। नंबर सात हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र से प्राप्त होता है, महाराष्ट्र से प्राप्त होता है, ठीक है ना? हाँ, महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। और कहाँ से प्राप्त होता है? कोई छूट तो नहीं रहा है। हाँ, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना? तो ये वो भारत के राज्य हैं जहां पर हड़प्पाई स्थल प्राप्त होते हैं, ठीक है ना? अब सवाल क्या था साथियों कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल जो है प्राप्त होते हैं? तो 925 स्थल अभी तक के खोजों के आधार पर प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होते हैं? गुजरात से। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं? गुजरात से प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों? गुजरात से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना? गुजरात से। चल आगे बढ़ेंगे। गुजरात से, ठीक है। चलिए, सवाल साथियों आज कम ही बने थे, तो हम लोग अब चित्र एवं चित्रकारों का रिवीजन करेंगे। सवाल की संख्या आज कम थी। चित्र एवं चित्रकार, चित्र एवं चित्रकार हम लोग करेंगे साथी, ठीक है ना? आज सवाल कम ही बनाए थे। पहला पहला चित्र हम लोग देखेंगे, शिव की मुखाकृति, शिव की मुखाकृति, शिव की मुखाकृति शिव की मुखाकृति, ये किसका चित्र है साथी?
बीसी सान्याल का है। किसका है? बीसी सान्याल, बीसी सान्याल का है। शिव की मुखाकृति किसका है? बीसी सान्याल का है। गणेश जननी, गणेश जननी ये किसका है साथियों? गणेश जननी, गणेश जननी, अवनी बाबू, अवनी बाबू, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, हंगेरियन जिप्सी गर्ल। हंगेरियन जिप्सी गर्ल, अमृता शेरगिल का है। किसका है? अमृता शेरगिल, हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका है साथियों? अमृता शेरगिल का है, बिल्कुल। झरने की आत्मा, झरने की आत्मा, झरने की आत्मा, झरने की आत्मा, आशित कुमार हालदार। किसका है? आशित कुमार हालदार का है, आशित कुमार हालदार का है। झरने की आत्मा किसका है? आशित कुमार हालदार का। वेरी गुड। हीरा मन तोता, हीरा मन तोता, हीरा मन तोता, हीरा मन तोता। अब्दुल रहमान चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई, हीरा मन तोता किसका है साथियों? अब्दुल रहमान चुगताई का है, बिल्कुल सही जवाब। तोता एवं चमोलिन, तोता एवं चमोलिन, तोता एवं चमोलिन, तोता एवं चमोलिन, एनएस बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, नारायण और श्रीधर ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। नारायण मतलब भगवान विष्णु और श्री मतलब लक्ष्मी को धारण करने वाले श्रीधर, वो भी वही है। हाँ, तो विष्णु विष्णु बेंद्रे, बिल्कुल नारायण नारायण। चलो आगे बढ़ेंगे। नारायण श्रीधर बेंद्रे, आगे बढ़ेंगे। हरा सेब,
हरा सेब। हरा सेब। KH आरा, कृष्णा जी होला जी आरा, पूरा नाम लिख दे रहे हैं, कृष्णा जी होला जी आरा, कृष्णा जी होला जी आरा, कृष्णा जी होला जी आरा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। कथावाचक, 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 जो कथा कहता है, कथावाचक, कथावाचक। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 9 दिन का व्रत रहते हैं नवरात्रि का? अच्छा, एक चीज है, व्रत रहने का फायदा तब है जब आप कम से कम 6 घंटे भूखे रहें। भूखे रहने का मतलब कि आपके पेट में 6 घंटे तक कुछ नहीं जाना चाहिए। तो व्रत का तो महत्व है और साथ साथ स्वास्थ्य का भी महत्व है। व्रत में क्या होता है कि खूब खाते हैं, ठूस के खूब खाते हैं। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि नवरात्रि में तो वेट 1 किलो और बढ़ गया। KS कुलकर्णी, हाँ, KS कुलकर्णी। चलिए, नहीं, व्रत का फायदा तभी है जब आप लोग कम से एक शेड्यूल बना लीजिए कि 6 घंटे, कोई भी टाइम हो, अगर आप 6 घंटे अपने पेट में कुछ नहीं डालते तो डिटॉक्स हो जाता है आपका पूरा सिस्टम जो है वो डिटॉक्स हो जाता है। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो तो 1 महीने का रमजान रहते हैं, रमजान का रोजा रहते हैं, और वो नहीं खाते हैं, वास्तव में दिन में कुछ नहीं खाते हैं। तो कम पूरा दिन, वो तो एक धार्मिक नियम है, लेकिन कम से कम 6 घंटे अगर ना खाया जाए तो शरीर डिटॉक्स हो जाती है, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ बात है। हाँ, कथावाचक किसका है? KS कुलकर्णी का है। आगे बढ़ेंगे। KS कुलकर्णी, हाँ, आगे बढ़ेंगे। पांडवों द्वारा हिमालय आरोहण, पांडवों द्वारा हिमालय आरोहण, पांडवों द्वारा हिमालय आरोहण। सुप्रभात सूरज जी, जय माता दी। पांडवों द्वारा हिमालय आरोहण, वर्षों वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप छांव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। पांडवों द्वारा हिमालय आरोहण किसका है? नंदलाल बोस का है। ठीक है ना। हाँ, चलिए। ययाति श्रृंखला, ययाति श्रृंखला, ययाति श्रृंखला, ययाति श्रृंखला। ए रामचंद्रन, ए रामचंद्रन, ए रामचंद्रन। ठीक है ना। बहुत बढ़िया।
ए रामचंद्रन। चल आगे बढ़ेंगे। अमल ताश पर कौवे, अमल ताश पर कौवे, अमल ताश पर कौवे, सुधीर रंजन खास्तगीर, सुधीर रंजन खास्तगीर, स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर, हाँ अमृता शेरगिल। किसका है? अमृता शेरगिल का है। चौपाटी पर, चौपाटी पर, सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, बोलती सड़क, स्पीकिंग स्ट्रीट, बोलती सड़क, बोलती सड़क, बोलती सड़क, गुलाम मोहम्मद शेख, गुलाम मोहम्मद शेख, बोलती सड़क किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। गुलाम मोहम्मद शेख, शकुंतला का प्रेम, शकुंतला, शकुंतला का प्रेम, शकुंतला का प्रेम, शकुंतला का प्रेम, रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, हाँ राजा रवि वर्मा। आगे बढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा, आगे
आगे बढ़ेंगे। रिटर्न ऑफ बुद्धा, रिटर्न ऑफ बुद्धा, रिटर्न ऑफ बुद्धा, रिटर्न ऑफ बुद्धा। कोई बात नहीं सूरज जी, बिल्कुल निकलिए ऑफिस के लिए, निकलिए। नंदलाल बोस, तीन औरतें, तीन औरतें तीन औरतें तीन औरतें यामिनी राय, यामिनी राय, यामिनी राय, यामिनी राय, आगे बढ़ेंगे। यामिनी राय, लैंप एवं मकड़ी, लैंप एवं मकड़ी, लैंप एवं मकड़ी, मकबूल फिदा हुसैन, अरेबियन नाइट श्रृंखला, अरेबियन नाइट्स श्रृंखला, अरेबियन नाइट श्रृंखला, अवनी बाबू का है ये, अवनी बाबू 20, अरेबियन नाइट्स का है, अवनी बाबू का है। राम द्वारा समुद्र का मान भंग, समुद्र का मान भंग, राम द्वारा समुद्र का मान भंग, राम द्वारा समुद्र का मान भंग। रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, ठीक है ना। चल ठीक है साथियों, तो ये हो गए 20 आपके चित्र एवं चित्रकार। इससे पहले हमने 7 से 8 सवाल या सवाल कम किए थे। तो ये रहा आज का रिवीजन आपका। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना।
ओके, जाते जाते साथियों आप लोगों को बता दूं कि नोट्स पर, बुकलेट पर, क्वेश्चन बुकलेट और पेड कोर्स पर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको इस समय मिल जाएगा। नवरात्रि ऑफर है आप लोगों को, अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। बाकी नंबर क्या है, 9916 8276 46, दूसरा नंबर है 8601 75 78 45, संपर्क कर सकते हैं। नोट्स की फीस है 600 रुपये, बुकलेट की 500 रुपये, पेड कोर्स की 999 रुपये। इनमें आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना? ओके।